राम त्यागी जी, कुलदीप त्यागी और ज्ञानेश्वर भाई और जिला पंचायत सदस्य अमित त्यागी जी वगैरह हमारे गांव में आए, इनका सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप हमारी बिरादरी के और गांव के सभी लोगों ने जो यहां एकत्रित होकर जो समय दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात यहाँ त्यागी बिरादरी के उसमें वो तो सभी को पता है भाई अन्नू त्यागी का और उसके बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बड़े बुजुर्ग और छोटे सभी जाग जाए त्यागी बिरादरी के लिए। और हमारे ये पहले त्यागी जी ने सभी बिरादरी त्यागी जितने भी गांव में हमने सबको एकत्रित किया है और जागरूकता दिखाई है। तो मांगेराम त्यागी जी को आप जो अपना बिरादरी का हम सभी लोग मतलब एक तरह से नेता मानते हैं, क्योंकि ये जो काम हमारे बड़े नेता नहीं कर सके वो मांगेराम त्यागी जी ने कदम उठाकर सबको एकत्रित किया है और जागरूकता हमारे समाज में जागरूकता दिखाई जिससे त्यागी समाज भी अपना आंदोलन कर सके। आज से पहले हमारे त्यागी बिरादरी समाज ने कभी आंदोलन नहीं किया और मेरे धरने पे इन्होंने कमिश्नरी में भी जो आज तक कोई कमिश्नरी में नहीं गया कमिश्नरी में जाकर के लोगों को ये दिखा दिया कि भाई हम त्यागी समाज भी जो अपनी आवाज बुलंद कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश त्यागी जी। जैसा कि सभी को मालूम है अन्नू त्यागी के साथ जो हुआ, हम 90% वोट इस बीजेपी सरकार को देते हैं। हमने राष्ट्र के नाम पर, क्योंकि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के नाम पर हमने ये वोट दी, लेकिन हमें क्या मिला? 90% वोट देने के बाद भी हमें अपमान मिला। इंगला त्यागी अन्नू त्यागी को ऐसे बर्बर तरीके से उनके साथ उत्पीड़न किया गया, चोटी खींच करके उसे घर से बाहर खींचा गया और इंगला त्यागी के साथ 4 दिन तक उसे पुलिस जो कर्मी थे 4 दिन तक अपने साथ गाड़ियों में जगह जगह कम से कम 8 जिले और 4 राज्यों में लेकर पहुंचे। उसके साथ ऐसा ऐसा बर्ताव आप लोगों के बीच में किया, अगर आप लोग उनकी जुबानी अगर सुन लो तो 4 दिन तक आप अपने घर पे खाना नहीं खाओगे। अगर हमारा समाज उन्हें 90% वोट करता है और बिना एहसास के वोट करता है, कभी हमने एहसास नहीं कराया। हम जब प्रधानी लड़ते हैं तो कम से कम हम 500 वोट की जो प्रधानी होती है किसी गांव की तो उसमें 10 लाख रुपए खर्च करते हैं आपस में। एक दूसरे के घर हम 10 बार पैर छूने जाते हैं कि वोट हमें दे दीजिए, वोट हमें दे दीजिए, लेकिन जब वोट देने की बारी हमारी आती है विधानसभा में या लोकसभा में तो न हमारे पास कोई विधायक आता है बीजेपी का, न सांसद आता है और उसके बावजूद भी 60% वोट हम उन्हीं को देते हैं। जब हम एहसास करा के उन्हें वोट नहीं देंगे तो उन्हें भी एहसास नहीं होगा कि हमारी वोट की कीमत क्या है। तो मैं युवा साथियों के से खासकर कहूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को पता है सन 2000 से पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का राज चलता था, लेकिन सन 2000 के बाद ना जाने क्या हो गया कि तुम्हें कोई भी पार्टी छोड़ो पार्टी के जो दफ्तर होते उनका चपरासी भी पूछता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारी है। हम नेता बन गए, हम आंदोलनकारी नहीं रहे और हमने अपने समाज का कोई भी व्यक्ति नेता नहीं बनाया। हम दूसरे के पीछे पूछ पकड़ के चलने लग गए, हम चाटुकार बन गए और उस चाटुकारिता की आज ये परिकाष्ठा है कि हमें पिछले 25 दिन से धरना करना पड़ रहा है और कोई भी न सांसद न विधायक न कोई मंत्री आपकी सुध लेने आया है। कोई आपने गांव में पूछा किसी विधायक ने तो हमें डूबते मर जाने के अलावा कोई जगह नहीं है। जागिए, आप भी जागने का समय है साथियों। अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। अगर ये जंग हम आज हारते हैं तो आप लोगों के पीछे
वही टैक्स चलता रहेगा जो मीडिया में चलाता है। लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी, गैंगस्टर त्यागी, बदमाश त्यागी, गालीबाज त्यागी। लेकिन साथियों, अगर हम यह आंदोलन जीतते हैं, आने वाले 30 सालों तक आपके तरफ उंगली उठाने वाला कोई मई का लाल पैदा नहीं होगा। और त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का नाम स्वर्ण इतिहास में लिखा जाएगा साथियों, क्योंकि 1947 के बाद या देश आजाद के बाद या 1857 के बाद मेरठ कमिश्नरी में घुसने वाला कोई मैतालाल समाज पैदा नहीं हुआ। वो पहला समाज त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज था जो उसने कमिश्नरी का कब्जा किया साथियों। अगर आप अपनी हनुमान वाली ताकत पहचान लेते हो तो आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे बीच में जिनकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित रोहतास त्यागी जी और संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई ज्ञानेश्वर त्यागी, हमारे अध्यक्ष जी मांगेराम त्यागी जी, सम्मानित मंच और सभी सम्मानित मेरी बिरादरी के सरदारों साथियों, बहुत बेहतरीन समय है अपनी ताकत दिखाने का। ऐसे समय को कुछ चूक गए तो फिर जिंदगी में ये समय हाथ नहीं आएगा आपके साथियों। हर गांव से बढ़िया समर्थन मिल रहा है, बहुत आत्मा प्रसन्न होती है देख के। और मैं ये चाहूंगा कि बिरादरी का सिर ऐसे ही जुड़ा रहे, ऐसे ही जुड़ा रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो अपने अपने घर के सब जमींदार हैं, सब सहनशाह हैं, अपने अपने घर बैठे रहियो और अपने चूतड़ पिटवाते रहियो। तो मेरा तो सभी भाइयों से गुजारिश है, भैया कंधे से कंधा मिला के चलो, वक्ता बहुत है कहने को, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय त्यागी समाज, जय त्यागी समाज। सभी को मेरा नमस्कार। आज गांव उपेड़ा में सभा के अध्यक्ष जी श्री रोहतास त्यागी जी और संचालन कर रहे भाई ज्ञानेंद्र जी धनौरा से और बड़े भाई मांगेराम त्यागी जी, मंचासी सभी बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत अच्छा सौभाग्य का है कि हमें एक ऐसा आदमी मिला कि जिसने समाज को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका चलाई है, बहुत अहम भूमिका है इनकी। क्योंकि राजनीति तो सब कर रहे हैं, कोई छोटी कर रहा, कोई बड़ी कर रहा, लेकिन जिस दिन समाज के किसी भाई बहन बेटी पर कोई आफत आई तो किसी ने अग्रणी भूमिका नहीं निभाई। मैं सुन रहा था वीडियो भाई मांगेराम त्यागी जी की, जो सब दिन के थे और सत्ता के सांसद बहुत बड़ी बात होती है, तो इन्होंने कहा कि सांसद जी या तो बात को समझ लो वरना हम फुस भर देंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और उस वक्त कही जब अकेले फोन पर बात कर रहे थे। आज तो बहुत समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है। देखो, संगठन बिन शक्ति नहीं और शक्ति बिन शासन नहीं, तुम लाख भाषण करे जाओ। संगठन बिन शक्ति नहीं, शक्ति बिन शासन नहीं, लाख करो भाषण। एकजुट होना है, सांसद जी बनना नहीं है, ये विधायक बनना नहीं है, ये केवल समाज को एक करना है। हम लोगों को छोटा बड़ा नहीं देखना, जहां मांगेराम जी को जरूरत पड़े हमें कंधे से कंधे मिला के इनके साथ रहना है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं भी अपने कीमती समय में से कई दिन, कल भी पूरे दिन वहीं रहा, रात देर रात से आया हूं, अभी 3 दिन पहले भी मैं रात को 11-12 बजे आया हूं और 3-3 गाड़ी लेकर हम लोग साथ गए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो धरना हमारा कमिश्नरी पे चला उस पर जाएं, सब सहयोग करें, ये समाज का काम है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जय। आज इस उपेड़ा गांव के पावन धरती को नम्र करते हुए हमारे आज की सभा के अध्यक्ष जी ताऊ जी रोहतास जी, हमारे मांगेराम त्यागी जी अध्यक्ष जी, बॉबी त्यागी जी
और अपने अमित भाई जिला पंचायत, अक्षित त्यागी जी, प्रशांत त्यागी जी, हिमांशु त्यागी जी, हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी जो 25 तारीख से बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं धरने में, और हमारे बिरादरी के सभी सम्मानित बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, मैं ये बता दूं आपको कि ये जो अभी हमारे साथ ये अन्नू त्यागी के साथ हुआ है नोएडा में, ये कोई हमारे साथ पहला प्रकरण नहीं है, इस सरकार द्वारा किया गया, इसे आप समझ लो। और एक बात और सुन लो, ना हम यहाँ कोई नेता बनने आए हैं और ना ही हम में से कोई नेता है, हम तो अपने समाज की जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है, हमारे साथ ये गलत काम हुआ है, उसी दिन से रात दिन इसके साथ खड़े हो गए हैं अपने समाज के साथ, और जब तक ये काम नहीं निपटेगा जब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। हमारे पिताजी भी 75 साल उम्र है उनकी, और मैं घर में अकेला हूँ, और जिस दिन भी मैं एक दो घंटे फालतू रुक जाता हूँ, कह देते गया ना आज वहाँ माँ पहुंच मेरठ, तो घर नहीं बैठे देते वे मुझे, उनका साहस देखो हमारे बुजुर्गों का, जो हमें युवाओं को कह रहे हैं भाई वहां जाओ। और ये हमारे बिरादरी का पहला प्रकरण नहीं है, सबसे पहले हमारे यहाँ जो भाजपा के नेता थे कमल त्यागी गढ़ में, उनके साथ भी यही प्रकरण हुआ पिछले साल सर्दियों में, जिसमें हमें आना पड़ा और उनकी जान बचानी पड़ी, उसमें उनकी पार्टी का कोई भी संगठन का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी अध्यक्ष या कोई भी मंत्री या कोई भी कमेटी का उनके साथ नहीं आया, उनके दौर चले गए उनसे। उस टाइम पे फिर बिरादरी को समाज को देखते हुए हमें ज्ञानेश्वर भाई जी और रामोतार त्यागी जी और अपने जो ये है अपने जड़ीना वाले और ये सब आए और उनका निपटारा करवाया, जब भी उन्हें एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा। और दूसरा अपने हापुड़ में हुआ, उसमें भी यही काम हुआ, उनके सभी जो भी संगठन के पदाधिकारी थे और जो भी विधायक है, एमएलए या चेयरमैन, सबने हाथ खड़े कर दिए जब उनमें विपदा आई। और तीसरा ये हुआ, ये भी भाजपा के बहुत मजबूत पदाधिकारी थे, इन्होंने मोदी नगर में चुनाव लड़वाया विधायक को और बहुत मोटा पैसा खर्च करा, लेकिन जब इन पे आफत आई तो इन्हें पार्टी ने कह दिया कि ये हमारा 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। तो पार्टी जो है, आप ये देख लो, आप जो भी पार्टी से भी जुड़े हुए हो, आप पार्टी को अपने साथ मत मानना, जिस दिन आप पे कोई भी आफत आएगी तो पार्टी आपसे पल्ला झाड़ लेगी। इसलिए ऐसे संगठन के साथ रहो जो आपके रात दिन साथ रहे, और हम भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अगर हम पे कोई आफत आएगी तो 200% उम्मीद है कि संगठन हमारे साथ रात दिन खड़ा रहेगा और पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और इसमें हमें अपना संगठन संगठित होने की जरूरत है और अपना संगठन बनाने की जरूरत है, हमें ना किसी की तरफ को देखना पड़े, हम खुद इतने संगठित हो जाए, इतनी ताकत अपने अंदर बना ले कि हमें किसी की तरफ को ना देखना पड़े। इसलिए अपने खून में गर्मी लाओ, अपने खून को जगाओ, अपनी ताकत को जगाओ, नहीं तो यही देखना पड़ेगा, हर आदमी के साथ यही होगा। मेरा गांव तलैटा है और हमारे साथ भी ये काम सन 1979 में माया त्यागी कांड को लेकर हुआ था, लेकिन उसमें हमारे गांव ने भी और हमारी बिरादरी के लोगों ने और दूसरे समाज के लोगों ने भी इतना बड़ा साथ दिया कि उसमें उत्तर प्रदेश की जेल भर के फेंक दी। तो ये आंदोलन अभी और बड़ा चलेगा, इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, आपको ताकत थोड़ी दिखानी पड़ेगी, अपने घरों से निकलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मेरठ भी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और अपने जो भी तुम्हारी ताकत है उसे लगाओ इसमें। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा समाज है, ये संगठित हो जाओ, नहीं तो हमारा समाज अगर संगठित नहीं होगा तो ऐसे ही आफत आती रहेंगी और कोई हमारा साथ नहीं देगा। अभी हम गए थे 4-5 दिन पहले नोएडा ओवेस ग्रैंड सोसाइटी में, तो हम जब ज्ञानेश्वर त्यागी जी, हमारे अध्यक्ष जी प्रशांत भाई, तो हमने वहां जाते ही अंदर घुसते ही देखा तो बैनर लगे हुए, बड़े बड़े 40-50 बैनर लगे हुए थे, उनपे लिखा हुआ था वी नो से गुंडा समाज, गालीबाज समाज, गैंगस्टर समाज, बदमाश। तो हमें ये बहुत बुरा लगा क्योंकि ये जो सारा था हमारे बिरादरी को टारगेट करके, हमारे समाज को टारगेट करके लिखा हुआ था। हमने जब इस पे जो है एक्शन लिया, जो वहां का पुलिस प्रशासन था उसे मांगेराम त्यागी जी ने चेतावनी दी कि इसे कल तक हटा देना, नहीं हटाया तो हम धरना यहां भी रखेंगे सोसाइटी पे। उसके बाद उन्होंने नोटिस भिजवाए उन्हें और वो शाम को हटवाए, लेकिन उनकी हिम्मत देख लो कि उन्होंने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करा, वह कैंडल लाइट निकाला और अन्नू त्यागी के घर के बाहर उन्होंने इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक नहीं
अहिंसात्मक वो करा आंदोलन उन्होंने, उसके घर में गाने गाए, उसके घर के बाहर खड़े होके। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग बाबू रोहतास जी, हमारे समाज में जागृति फैलाने वाले और युवाओं में जज्बा भरने वाले हमारे नेता मांगेराम त्यागी जी, सम्मानित मंच और मेरे समाज के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, इस प्रकरण से पहले भी हमारे समाज के साथ काफी प्रकरण हुए। एक प्रकरण आपको बताता हूँ, 2017 के बाद ही हमारे ही समाज के राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता टीवी पर डिबेट कर रहे थे, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने उन पर व्यक्तिगत लाठी लगाने का कार्य किया जिससे उन्हें हृदयाघात होने हुआ। तत्काल ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हमने अपने समाज से एक चमकते हुए सितारे को खोने का काम किया, तब भी हम चुप रहे। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर का हुआ, हापुड़ में पाइप के चक्कर में दरोगा से एक प्रकरण हुआ, तब भी हम चुप रहे क्योंकि वह प्रकरण युवकों का और पुरुषों का प्रकरण था। हम चुप रहे और अपने राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद में हमने इन सबको बुला दिया। परंतु नोएडा में एक प्रकरण हुआ, श्रीकांत त्यागी का प्रकरण, जब तक कार्रवाई श्रीकांत त्यागी पर हो रही थी तब भी हम चुप थे क्योंकि हम नारी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक वीडियो ट्वीट होती है, उस वीडियो में जब दोनों बच्चे रोते हैं, श्रीकांत की बहन रोती है और हमें मालूम चलता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ श्रीकांत की नहीं हो गई, यह लड़ाई तो नारी के मान सम्मान की लड़ाई हो गई। उस नारी के मान सम्मान की लड़ाई हो गई साथियों, जिस नारी के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद आज हम यहां बैठे हैं। तब हमारा कहीं ना कहीं जज्बा खोला, हमारा खून खोलना शुरू हुआ। तब हमारे नेता मांगेराम त्यागी ने सांसद को फोन किया और जैसे ही वो ऑडियो वायरल हुआ, हमारे समाज के युवाओं में जोश भरने का काम किया और हमारे समाज के युवाओं ने नोएडा पहुंच करके ACP का कालर पकड़ने का काम किया। साथियों, मैं समझता हूं अभी आने वाले समय में नवरात्र आएंगे, हम सब व्रत भी रखेंगे, देवी की आराधना करेंगे। हम शायद वो आराधना इसलिए नहीं करते कि वो देवी हमें धन या संपदा देगी, वो आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो देवी नारी शक्ति का प्रतीक है, वो एक ताकत का प्रतीक है जिसकी हम पूजा करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आगे मीटिंग लगी हुई है, कम शब्दों में एक आग्रह करना चाहता हूँ, या जितने भी मेरे समाज के युवा बुजुर्ग बैठे हैं, अगर वो नवरात्र रखें तो उन 9 दिन में उस धरने पर जरूर जाएं। अगर आप इन 9 दिनों में उस धरने पर नहीं गए तो मैं समझता हूं आपसे नवरात्र रखने का कोई फायदा नहीं है। आने वाले समय में हमारे समाज के नेता जैसा भी निर्णय लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने समाज के युवाओं पर, मेरे समाज के युवा आगे बढ़ करके उनके निर्णय को सफल करने का काम करेंगे। अभी कुछ लोग धरने के बारे में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि धरने से क्या हासिल होगा। मेरा मानना है कि धरने और आंदोलन से कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन समाज में जागरूकता फैलाने का काम मेरठ धरना कर रहा है और वो जागरूकता निरंतर फैल रही है। आप निराश ना हो, परिणाम हमारे पक्ष में एक ना एक दिन जरूर आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों। नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर वाले, अपने विचार रखें और उतारा वासियों से निवेदन है कि जो ये बात या विचार रखें उनको निर्णय करने का और आगे जो भी आदेश मिले उसके साथ 100% देने का अपना काम उपेड़ावासी करेंगे। आपसे आग्रह मांगेराम त्यागी जी। पहले तो मैं उपेड़ा गांव की धरती को नमन करता हूं और आप लोग बधाई के पात्र हैं। धरना आंदोलन में सहयोग के साथ साथ बहुत अच्छी आप लोगों ने मीटिंग की है। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और बुजुर्गों, साथियों और हमारे इस समाज की त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे युवा जांबाज सिपाहियों और यहाँ बैठे हमारे अमित भाई हैं, जिला पंचायत
और भाई ये पहलवान तो आवो जब ये धरने बजाओ हमारा भी जोश सब भर जाओ की कब है हमारी सहज भी हाँ। और वो भी भाई है सुनील त्यागी बहुत बढ़िया प्रोग्राम वहां पर इनका बहुत जोर सहयोग चल रहा है। गजेंद्र भाई साहब है ना कहीं आपको देखते किसी मंच पर जाते उन जाते जहाँ पे हम जा रहे हमारे साथ मिलते हैं। और एक बार हमारे जो टीम है लगभग 8-10 लड़के हैं जो 20-25-30-30 साल के हैं जिनके घर में इस उम्र में आदमी को एक घंटे का समय नहीं मिलता इनके लिए भी एक ताली बजा दो। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है रात दिन 24 घंटे। अभी मैं आपको बताऊं थोड़ी सी 3 दिन पहले बारिश हो रही थी नीचे गद्दे पड़े थे ऊपर वो चून लग गया। रात को 1:30 बजे पत्रकार आए उन्होंने देखा भाई इसे मतलब बिल्कुल वे इंग तिंग होंगे था खत्म फोटो खींच कर तड़ गई अखबार में कैडियो लेकिन उन्होंने पता नहीं थारे पिताजी वही बैठे मिलेंगे हम पानी में वही बैठे थे वे देख कर चल गए कह के बोला भाई वहां वाके में। तो मैं आपको जो देखो ना तो भाषणबाजी करना है यहाँ सी अपना परिवार है रिश्तेदार है भाई मेरी भतीजी भी है कई साल पहले रोकना मैं आता मैं यहाँ से घेर में। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वो जो लड़की है अन्नु और इंगला अगर आप लोगों ने ज्यादा नहीं 5 मिनट उनसे बात कर ली तो आप जो ना अपने परिवार में आकर खाना नहीं खाने के जो उनके साथ घटना पुलिस के द्वारा एसटीएफ टीम के द्वारा की गई है और एसटीएफ ने क्यों की है एसटीएफ की हिम्मत नहीं थी उन लोगों को ऊपर का मामला था। मैं आपको बता रहा कल मैं श्रीकांत के पास गया था गौर तो सुन लियो 2 दिन आतंकवादी सेल में रखा उस आदमी को 2 दिन आतंकवादी सेल में पहला मौका उस जेल में जो आतंकवादी सेल खाली पड़ी थी जब से शुरू में हमारे त्यागी समाज के हमारे बेटे को रखा उसमें और मामला कितना तो आप जानो 151 का मामला था। अगर मैं बधाई देता हूं उस समाज को त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को अगर आप लोग समय रहते खड़े ना होते तो 1000% विकास दुबे बनता उसका। अब कारण सुन लो वो क्यों बनता 2 मिनिस्टर थे पूर्व में बृजय सिंह और धनंजय सिंह 29,300 करोड़ रुपए का घोटाला है जल शक्ति मंत्रालय में श्री त्यागी जी ने श्रीकांत त्यागी जी ने उसकी शिकायत कर दी योगी जी को योगी जी हो गए नाराज 3500 करोड़ रुपए का घोटाला है इन पे महेश जी पे उसकी 5 RTI केस और दिमाग में आएगी एक बात कि इसकी इतनी बड़ी होगी चर्चा कि हो सके जहां तो तुम्हारी लड़के लड़का चुनाव लड़ रहे वहां से श्रीकांत त्यागी ना लड़ पड़े ये प्री प्लान हुआ ये ऐसा नहीं अचानक आया पेटे पाट दे हुआ तो प्री प्लान हुआ जिस तरह कई औरत को आदमी महिला को अड़ाया था भाई तू जो होना महिला के उस पर वो योग मामला है और नहीं तो CCTV फुटेज निकाल लो उस महिला का मकान भी बहुत दूर है हम भी कहीं पर जाएंगे वहां भाई वो उसकी चेयरमैन थी विधायक थी या प्रधान थी वो क्यों जा रही थी भाई जबकि उसका पति वहां खड़ा वो भीड़ था। लेकिन जो भी कुछ हुआ वहां कमिश्नर गया जेल पर 3 दिन कमिश्नर गया जब हमारी बात महेश शर्मा से हुई मोबाइल टेलीफोन से और फिर वो TVP पर आया हम अटके तो जब जो उसको था उसको वहां से निकालना भाई तो त्यागी समाज खड़ा है क्या। आप एक बात बताओ हमने सबने मैं भी इसी में हूं 99% लोगों को वोट दे रखी एक 6 महीने पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा है 6 महीने पहले एक बाहर विदेश से जांच दल आया था इंक्वायरी आई थी भाई भाजपा कैसे कैसे वोट मिली मैं चले गए त्यागी गांव में और एक बूथ मिला 800 में से 800 वोट भाजपा को मिली। उन्होंने कहा भाई यो कौन पपाल भाई 800 में से 800 मिली भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ के थे उनके साथ उन्होंने कहा एक यहाँ से भारत में एक जाति है त्यागी
और वे राष्ट्रवाद के नाम पर 100% वोट करते हैं। तो बात ऊपर तक गई, हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे 99%, लेकिन हम आपको एक बात चेताना चाह रहे और निवेदन करना चाह रहे, हाथ जोड़कर बताना चाह रहे, राष्ट्रवाद तो हर आदमी में होना चाहिए, वही आदमी है, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ अपनी जातिवाद और भाई मेरी महिला माँ बहन बेटियों को अगर उनके सम्मान से खिलवाड़ कर रहे तो फिर बताओ फिर हम क्या करें। आप सब कह रहे, मैं भी कह रहा भाई समाजवादी पार्टी सरकार में भाई गुंडागर्दी बहुत थी, सड़क लूट होती, बिल्कुल सही बात है, सब है, लेकिन मांगेराम त्यागी आ रहा है यहाँ से पेड़े में रस्ते में बदमाश मिल गए, 1000-2000 रुपए जेब में, 2-4 लट्ठी में थी जो था। अब क्या है, वो जो इंगला है उसकी चोटी पकड़ का एसटीएफ की टीम उसके घर में लेगी कैद को, ना तो उसे चुन्नी और डंडी और ना उसके पैरों में चप्पल थी, इसी तरह नुक ले गए। तो जो हमारी माँ बहन बेटियों को घर में ले जा रहे वो ठीक है, या जो सड़क पर लट्ठी बह रहा वो ठीक है, वहां तो मांगेराम को लगी, और भाई यहाँ घरों में तो औरतों को निकाले, सोच लो समझ लो, हमारे कुछ भाई हैं आज भी उन्हें स्लो पॉइजन है, हमें उल्टी सुलटी लिख रहे, हमने कहा भाई ना लिख पढ़ दो, वे हमारे भाई हैं हो सके, लेकिन हमें आपको बता रहे इन लोगों ने हमें ऐसा करके छोड़ दिया, ये जो हम मंडल कमंडल भूमंडल दे रखे ना, ये जो पद दे रखे बूथों के मंडल कमंडल भूमंडल, एक होमगार्ड को फोन करने की स्थिति में नहीं है। आप हापुड़ ले लो, आप जनपद गाजियाबाद ले लो, मेरठ ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, बिजनौर ले लो, गड़बी लगोगी मेरी बात, एक त्यागी मेरे में ऐसा नहीं जो डायरेक्ट है, अगर डीएम और कप्तान का कमिश्नर को टाइटली नुका था ये ऐसा होना, इन्होंने हमारा नेता नहीं बना दिया, ये तो नुका रहे वोट देते रहो और भाई अंत तक तुम सीमित हो, और हमने इधर नुका दिया भाई नु बताओ तुमने कितने तुम्हारे चौकी इंचार्ज बना दिए लड़के, कितने थानों के चार्ज दे रखे त्यागियों को, कितनों को आपने जो ना सरकारी वकील बना दिए, और कितनों को जिला अध्यक्ष बना दिए, कितनों को MLC बना दे, और नुका रहे थे ये उपड़ा गांव है, यहाँ पर दैनिक इलेक्शन में मुझे नहीं पता 3-4 खड़े होंगे, हर गांव की ऐसी स्थिति पड़े क्या मेरे गांव की भी, और जो पर दैनिक लड़ता उसको पूछ लो उसके 15 लाख रुपए लगा एक को कोर्ट की सो पता कीमत की, और हम क्या कर रहे कि जहाँ 10-10 हजार वोटों के गाँव है क्या क्योंकि वहां ये नहीं जा रहे, उपाड़े जैसे गाँव में नहीं आ रहे, मेरे जे गाँव किसी को भी नहीं जा रहे, इनकी एक वहां आएगी त्यागी है ब्राह्मण है कहाँ देंगे वोट देंगे, जब इतने बड़े बड़े गाँव में हमने जो वोट दे रखी इनको एहसास कराकर दे रखी, ये हमारी मौत का कारण बन रहा है। आज अगर यही केस किसी जाट बिरादरी की या एससी बिरादरी के साथ हो जाता ना, इस तरह खैच कर लेके अब तक इसमें परिणाम चाहे कुछ होता, अगर यहाँ बहुत भयंकर परिणाम हो लेते देश में, लेकिन मैं आप लोगों को बधाई दे रहा, आप धन्यवाद के पात्र हैं पूरा समाज, और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, और जो नुका रहे थे त्यागी कौन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, अब उन्हें बता दियो, ये युवा बैठे जवाब दे दियो, त्यागी थारे पापा के पिताजी हों, त्यागी जो है थारे पापा के पिताजी हों, त्यागी में हो, आज हर जगह पूरे देश में आपका टंका बज रहा है। अब रही देखो मेरठ धरने की बात, धरने किस किस्म तो हमने धरने चला रखे, जिस दिन वहां 5-7 हजार आदमी रोज जान लगा का धरना खत्म, वो हो जाएगी पंचायत, और मैं जब 200-250-300 आदमी जा रहे उस धरने की गूंज आया कि पूरे देश में गूंज है, और भाई उस दिन कमिश्नर के यहाँ आपकी बहुत बड़ी जीत थी, 1857 के बाद कमिश्नर ये कह रहा था कोई घुसे ही नहीं यहाँ, केवल घुसे तो त्यागी घुसे, और 780 मीटर के दायरे में कोई भी जिस दिन VIP आता है कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, चाहे उन्हें बलपुर मुख थाना उन्हें गाड़ी में ठहले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की ताकत थी, जिस दिन धरना चालू हुआ अगले दिन योगी जी मेरे 100 मीटर की दूरी पा रहे थे, हम पाया गया भाई बड़े अधिकारी आए, पुलिस का पूरा फार्म भर रहा था, भाई त्यागी उठो, मैं कहा भाई 5 बजे उठोगे उठा के फरार होगा फिर आगे बैठ जाएंगे, सुबह किस टाइम चले जाओगे, सुबह को चले ले जाओगे फरार होकर फिर अपना चाय पानी पी के ही बैठेंगे वैसे नहीं आएंगे। तो जब जाते भैया मेरे भाई सारे बैठे थे, मैं कहा भाई एक काम कर लो मारो 5 साल लट्ठी मार के हम बंद कर दो उधरना खत्म, लेकिन आप लोगों की ताकत थी पहलवान जैसे की ताकत थी, और इनमें से ठहरे ठहरे लंबे ठहरी रेल बनाए थे सड़क को तरह तड़ गई है, तो आप लोगों के ही डर से वे जितने भी अफसर थे
वे सारे के सारे तीर्चे तीर्चे अपने घर को बोलिए, ठीक है। उस दिन तो इतना बढ़िया चलना, लेकिन मेरा आप निवेदन है, परसों राजेंद्र अग्रवाल से परसों ये पूछा एक पत्रकार ने, वो चल गई होगी वीडियो मेरे पे भेजी सुबह, और ये जो त्यागी समाज का मामला है, बोला बेफालतू बात नहीं कर सकते, ये उसके शब्द है, वो वीडियो देख लो। यानी कि हम 2.5 लाख वोट देकर हम बेफालतू कहे गए। सुनो योगी जी कह रहे अब बिरादरीवाद नहीं है, मैं रुकूंगा, मैं तो खुले मन से बोल रहा बिरादरीवाद है। तो मिनिस्टर है पहले 30,000 करोड़ का जब घोटाला है 19,300 का, क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? श्रीकांत त्यागी को समित पात्रा ने कहा अब हमारा 2 कोटि का भी मेंबर नहीं है। चलो मान ले भाई तेरा 2 कोटि का मेंबर नहीं है, यो वहां से भाजपा के स्टेज खान जा रहे थे, क्या तू जा रहे उनके मकान पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती तो 2-2, 3-3 करोड़ की, और वहां से भाजपा के रह रहे थे, मुख्यमंत्री साहब का फोटो, अमित शाह के साथ उसका फोटो, हमारा आप क्यों खिंचवा लेते, अगर वहां योगी आ रहा यहाँ रोक देंगे भाई, अंदर नहीं जाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है, अगर आप कितना ही इसका उपर हो जाओ, और जिस दिन थरबा फता होगी, थेरी मोटरसाइकिल फंस गया, थारा कोई झगड़ा आ गया किसी तरह नुका देंगे, जो मेरे मंडल साहब है मंडल बन गए, अगर जी 1,000, 2,000, 4,000 रुपये देकर अपना पंडा छुटवा लो दरोगा को, ये इनके शब्द होंगे, ये उसको फोन नहीं करने के। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी जो चाशनी है वो कल्लू को आ जा, कल्लू कल वो कहा चीज चरखी, उसके कल्लू में तीसरे कड़ाई में तेरी चाशनी है, बहुत बढ़िया चल रहा मारे पारी भाई, फैसला फैसला हमने कहा कमरे में बैठ कर फैसला नहीं होगा, फैसला होगा तो यहीं से आके होगा, समाज के सामने होगा, हम फैसला वैसे नहीं करने गए, और बैठ के कमरे में बात होगी, यहाँ से आओ भाई, और जो भी है समाधान यहाँ करो।